फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन स्टडी बाइट्स को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन मिलते रहें और नॉलेज आपकी बढ़ती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रतीक्षा और आज का जो टॉपिक है सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए वो है यातायात एवं सड़क सुरक्षा। चलिए जानते हैं कौन से हैं वो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप अगर इंग्लिश ग्रामर अपने एग्ज़ाम के लिए सीखना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं unacademy.com/user/pratiksha पर। वहाँ से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। हिंदी में अच्छे से आप ग्रामर जो भी उसके रूल्स हैं एक एक पॉइंट आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है तो आप वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यातायात एवं सड़क सुरक्षा की। तो सबसे पहला प्रश्न है आज किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है। तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है। तो इसका आंसर है मनाली लेह, मनाली लेह। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। अगर 1 और 2 को मिला दिया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा। तो उसको कहा जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड, जो कोलकाता से अमृतसर तक जाती है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये करवाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। तो आप ध्यान रखिए GT रोड, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को मिलाकर क्या बन जाता है, GT रोड, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 47A जो सिर्फ 6 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। तो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है खड़गपुर में, खड़गपुर में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने परसेंट विकलांगता होने पर निशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य है। तो 40%। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर कितनी कार्यशालाएं उपलब्ध हैं। तो इसका आंसर है 20 कार्यशालाएं। नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा के कितने प्रकार के संकेत होते हैं। तो वो होते हैं 3 तरह के, जो होते हैं अनिवार्य संकेत, चेतावनी संकेत एवं सूचनात्मक संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है चल वैजयंती योजना किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है दुर्घटना मुक्त वाहन संचालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ चलाओ और हस्तांतरित करो क्या है। तो ये है सड़क निर्माण में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की नीति। नेक्स्ट है भारत में सड़कों का नियंत्रण किस विभाग द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है। तो ये है इसके अंतर्गत 4 महानगरों को जोड़ा गया है जो हैं दिल्ली से मुंबई से चेन्नई से कोलकाता, दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता, इन 4 महानगरों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है। तो ये है ग्राम को शहरों से पक्की सड़कों के माध्यम से जोड़ने का काम इसी योजना के द्वारा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से आप क्या समझते हैं, तो एक लाइन में उत्तर देना है। तो आप इनको ध्यान रखिए। नेक्स्ट लास्ट नॉट लीस्ट जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन योजना के अंतर्गत संचालित बसें किससे संबंधित हैं। तो इसका आंसर है नगरीय परिवहन व्यवस्था से। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन 15,
ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको ज़रूर ध्यान में रखिए, ज़रूर पढ़िए। और अभी के लिए इतना ही, मिलूंगी मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करना है, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि जो वीडियोस हैं वो आप तक उनका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।